टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले तो आप किसी फंक्शन का टाइम पीरियड समझते हैं क्या? कि मैं बोलूं आपको साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 2 पाई होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि थीटा की जगह जैसे किसी भी एफ एक्स का समझो आप, कोई फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इस एफ एक्स के टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? अगर एक्स को एक्स प्लस टी से रिप्लेस किया जाए तो वापिस एफ एक्स आ जाए। तो ऐसे कैपिटल टी की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, साइन थीटा जो था आपका, उसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस वजह से? 2 पाई आ जाएगा। ये वैसे भी पता है आपको, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू थोड़ी नहीं साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो जो कैपिटल टी की मिनिमम वैल्यू है साइन थीटा के लिए, जिस पर कि फंक्शन वापस आ जाए, इस तरह से थीटा था पहले, थीटा की जगह थीटा प्लस 2 पाई करा, वापस एफ थीटा ही बन गया। तो ये साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना कहलाएगा? 2 पाई कहलाएगा। किसी को डाउट बेटा इसमें? क्लियर है आपको? तो साइन थीटा का 2 पाई है इफ टाइम पीरियड ऑफ, ये आप जनरल रूल है, आप मैथ में निकाल लेना, अभी भी निकाल सकते हो। इफ टाइम पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई, देन टाइम पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई, देन टाइम पीरियड ऑफ साइन के थीटा, यहाँ पे के कोई कांस्टेंट है, साइन पीरियड ऑफ साइन के थीटा विल बी 2 पाई अपॉन के। जनरल रूल है, अगर आपका साइन थीटा का 2 पाई है तो साइन के थीटा का कितना होगा? 2 पाई अपॉन के। रख के देख लो आप, साइन के थीटा का 2 पाई के होता है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? साइन के थीटा की जगह आप क्या करोगे? थीटा प्लस 2 पाई बाई के, यही करते हो ना, एक्स को एक्स प्लस टी से रिप्लेस करते हो, तो वही फंक्शन आ जाना चाहिए। फंक्शन है आपका साइन के थीटा, मैं कह रहा हूँ इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाई के। तो थीटा को आप थीटा प्लस 2 पाई बाई के से रिप्लेस करो, क्या वापस से साइन के थीटा आ जाता है क्या? चेक करो एक बार, क्या वापस से साइन के थीटा आ जाता है? तो आप इसको अंदर ले जाओ, क्या बन गया? के थीटा प्लस 2 पाई बन गया। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा वापस से क्या आ जाएगा? साइन के थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये फंक्शन एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा साइन के थीटा आफ्टर द टाइम पीरियड, आफ्टर टाइम इंटरवल 2 पाई बाई के। तो सेम चीज आपकी यहाँ भी बन रही है बेटा, इसी से अब मैं कुछ इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर अभी क्या निकाला। ये तो पूरा मैथ का पार्ट था, आप बहुत पढ़ोगे तो बहुत ही बेसिक फंक्शन का टाइम पीरियड निकलवाया है, आप काफी और भी चीजों के निकाल लोगे। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कि आपको ये क्लियर करना था मुझे कि साइन के थीटा फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट होगा आफ्टर थीटा की वैल्यू कितनी? 2 पाई बाई के। हर थीटा के 2 पाई बाई के इंटरवल पर बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो ये एक्स आ रहा था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। इससे कॉन्स्टेंट से फर्क नहीं पड़ता कोई, आपका साइन टी का 2 पाई था, साइन टी का, तो साइन ओमेगा टी का कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। हर 2 पाई बाई ओमेगा बाद रिपीट होगा। वेलोसिटी क्या आई थी? डीएक्स बाई डी टी, वो भी यही आई थी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो साइन का भी 2 पाई होता है, कॉस का भी 2 पाई होता है बेटा। क्लियर है ना, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के 2 पाई होते हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। क्लियर है आपको बात यहाँ तक? कि साइन का भी कितना आ रहा है आपका? 2 पाई बाई ओमेगा, कॉस का भी, तो पोजीशन भी रिपीट होगी एग्जैक्टली, वेलोसिटी भी रिपीट होगी, और एक्सलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, ये कांस्टेंट था, जब एक्स रिपीट हो गया तो इसका मतलब एक्सलरेशन भी रिपीट होगी, तो तीनों बिल्कुल रिपीट हो जाएंगे। तो इसलिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके बाद बिल्कुल मोशन एग्जैक्टली रिपीट करेगी। ठीक है ना, तो सारे प्लॉट साइन के ही तो आ रहे हैं बेटा, समझ रहे हो क्या? अब सारे प्लॉट साइन के ही तो आ रहे हैं, तो यही तो है प्लॉट है सिस्टम का बेसिकली। पोजीशन भी ऐसे ही वेरी करेगी, साइन का प्लॉट है ना, तो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी पोजीशन? ऐसे ही वेरी करेगी टाइम, और एक्सलरेशन भी ऐसे ही करेगा, कोसाइन का इसका थोड़ा ऊपर से शुरू हो जाएगा वेलोसिटी जो है। तो सारे साइन कोसाइन प्लॉट है, तो पीरियोडिक तो नहीं थे, बट आपको मैंने थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दिया पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है। तो उस बेसिस पर और इन इक्वेशंस को देख के बेटा, मैंने कोई आपको याद नहीं कराया, सब मैंने वहां से निकाला है। ठीक है ना, सारा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से जो निकलता गया फिर मैं आपको याद कराता गया उसको। ठीक है ना, अब याद कराया तो ध्यान भी रखना है आपको, मिस नहीं करना। तो इस तरह से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड आपका आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? एक मिनट रुको, दो तीन बार आ चुका हूँ।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी 2π/ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा को क्या कहते हैं आप? हियर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, टाइम पीरियड 2π/ओमेगा आ गया। ओमेगा को ऐसा वो उसकी तरह बनने लग गया, पे सर्कुलर मोशन में भी होता था ना ओमेगा। टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहे हो तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, वहाँ एंगुलर वेलोसिटी थी। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/T। तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2π है। तो ये बहुत जनरल केस है बेटा, आपको रटे हुए होने चाहिए सब फार्मूले। ठीक है, टाइम पीरियड है 2π/ओमेगा, फ्रीक्वेंसी है 1/T, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2π है। तो ध्यान से सुनिए, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। तो मान लीजिए टी टाइम में एक ऑसिलेशन होता है, तो यूनिट टाइम में कितना होगा? 1/T, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में एसएचएम में क्या रिलेशन है? ओमेगा इक्वल्स टू 2π f। ठीक है, तो अभी आपकी एंगुलर क्यों वर्ड लगाया वो अभी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी से काफी रिलेट हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद ही। ठीक है ना, अभी तक कोई रिलेशन नहीं है एंगुलर वेलोसिटी का, अभी जस्ट एक नेम है आपके लिए, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आपकी मोशन बिल्कुल कब रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब एसएचएम क्या है? जो इक्वल टू -ω² x हमने शुरू किया था, मे भी समझ में आ गया कि वो मोशन एक कॉन्स्टेंट इंटरवल बाद रिपीट हो रही है, तो इसलिए आपकी क्या है? वो पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या है? जो इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स में जो कॉन्स्टेंट आता था वो ओमेगा स्क्वायर है, तो उस मोशन का टाइम पीरियड कितना आएगा? 2π/ओमेगा आएगा। तो आप सारा आपका इक्वल टू -ω² x से रिलेट होके आ गया है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट बेटा, टाइम पीरियड में, पोजीशन में, वेलोसिटी में, अब काफी क्लियर है कैसी मोशन की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे पूरी कहानी किस तरह के मोशन की है, माइनस ए से प्लस ए के बीच हो रही है। आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है, उसकी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टाइम पता है आपको, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेलोसिटी आपको पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ए का मीनिंग क्लियर है आपको, ओमेगा का मीनिंग क्लियर है, टाइम पीरियड ऐसी मोशन का क्लियर है, कितने बाद रिपीट होगी तो वो 2π/ओमेगा बाद पूरी रिपीट हो जाएगी हमेशा। ठीक है ना, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन सब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही तो चल रही है ना बेटा, इस तरह की तो मोशन है आपकी, एक लाइन के अलॉन्ग चल रही है ना, प्लस ए पर, यहाँ पर एक्स पर, माइनस ए पर, तो वापस एक बार प्लस ए पर है तो वापस प्लस ए पर कब आ जाएगी? एक टाइम पीरियड बाद, बिल्कुल रिपीटेशन। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्लस ए से माइनस ए और माइनस ए से प्लस ए तक आने में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी टाइम लगेगा। तो आप यहां तक